हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अनैचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। हमें एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स। अब नेचुरल नंबर एक्स हो गया, इसमें क्या लिखा है व्हेन इंक्रीज बाय 12, इंक्रीज मीन्स प्लस, तो कितना इंक्रीज हुआ है 12, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 12, और आगे लिखा है इक्वल्स, इक्वल टू का साइन, 160 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है बच्चा मल्टीप्लाई, 160 मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा एक्स का, एक्स का रेसिप्रोकल होगा 1 बाय एक्स, तो 160 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। अब एक्स प्लस 12 को हम एज इट इज लिखेंगे अभी के लिए। अब 160 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा बच्चा, 160 होगा अपॉन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, लाइक एक्स इंटू एक्स प्लस 12 और 160 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो बच्चा, ये जो x है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर हो गया, और x मल्टीप्लाई बाय 12 इज 12x इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई बाय 1, 160 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये 160 है ना बच्चा आरएचएस में, इसको हम एलएचएस में शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी, इसको हम अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। अब अच्छा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है। सम क्या होता है, मिडल टर्म में एक्स का कोफिशिएंट, तो सम हमारा 12 होगा, और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस 160, तो 1 इंटू माइनस 160 माइनस 160 होगा। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको एड करके 12 आता हो और जिनका प्रोडक्ट माइनस 160 आता हो। अब क्योंकि बच्चा प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो वन ऑफ द नंबर नेगेटिव रहेगा और अदर नंबर पॉजिटिव रहेगा, और क्योंकि सम पॉजिटिव है तो हम बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव रखेंगे। अब हम 160 को फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म के दो नंबर ढूंढने के लिए, तो पहले 2 से जा रहा है तो इधर 80, अगेन 2 से जा रहा है 40, 40 भी 2 से जाता है बच्चा इधर 20 आ जाएगा, 20 2 से जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, और यहाँ 5 आ गया। रैंडमली हम नंबर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं ये फर्स्ट 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमें 16 मिलता है, और फिर ये दो नंबर ले लेते हैं 2 5 का 10। अब क्योंकि सम हमने पॉजिटिव रखना है, तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव आएगा, स्मॉलर नंबर नेगेटिव, तो 16 माइनस 10 6, 12 नहीं बन पा रहा, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अब हम कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं बच्चा, इसमें और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है ये देखते हैं। पहले अगर हम ये ले लें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, ओके, और ऊपर से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, ओके, तो 8 और 20 दो नंबर हो गए। अब वन ऑफ द नंबर हमें नेगेटिव रखना है, क्योंकि सम पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव रहेगा और छोटा नंबर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 8 प्लस 20, तो ये प्लस 12 देगा हमें सम, माइनस प्लस माइनस, 20 माइनस 8 12, और साइन ग्रेटर का प्लस 12, तो इससे सम मिल रहा है, और प्रोडक्ट आप चेक कर लेना ये माइनस 160 आएगा ही, माइनस 8 इंटू 20, तो मिडिल टर्म के दो नंबर कौन से हो गए, माइनस 8 और प्लस 20। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं बच्चा, तो इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 12x की जगह माइनस 8x प्लस 20x आ जाएगा। देखो हमने 12x को स्प्लिट कर दिया माइनस 8x प्लस 20x में, माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब आगे ध्यान दो बच्चा, देखो फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है, नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन वेरिएबल में x कॉमन है, तो अगर हम x कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में रहता है x माइनस 8, और लास्ट टू टर्म में ध्यान दो बच्चा प्लस 20x माइनस 160 में, वेरिएबल में तो कुछ कॉमन नहीं है लेकिन नंबर में हम 20 कॉमन ले सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 है, तो 20 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा x, और 20 इंटू 8 160 होता है, तो यहाँ माइनस 8 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 8 कॉमन है, तो टेक x माइनस 8 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या रहेगा एक ये x रह जाएगा, ये वाला x, और फिर यहाँ क्या साइन है प्लस का साइन है प्लस, और यहाँ बच्चा हमारे पास क्या है 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे नेक्स्ट, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 डालेंगे एंड x प्लस 20 भी 0 डाल के देखेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 8 0 के साथ जाके 0 प्लस 8 हो जाएगा और 0 प्लस 8 इज 8, x इज इक्वल टू 8 आ गया और इधर से बचा प्लस 20 को जब हम 0 के साथ शिफ्ट करेंगे तो 0 माइनस 20 होगा और 0 माइनस 20 माइनस 20 हो जाए। अब हम बचा x इज इक्वल टू माइनस 2 को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो नेगेटिव नहीं होते ना, 0 होते। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, 8, तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 8।